सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में यहूदियों और कुफार को भी इजाजत दिया मस्जिद के अंदर आने की। अगर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जुर्म हो रहा है तो मुझे ये बताया कानून के या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम काफी हम डीवी आप देखोगे कानून के कितने नहीं है सर। हर बंदा एक बासियत तो मुसलमान इस चीज का अंदाजा लगा सकता है कि अगर कानून किसी भी कानून सर बंदा बुलाया हुआ है हमने खुद नहीं कर रहे इस तरह हरासा किया जाए या किसी गैरतमंद बंदे की चीज गैरत बर्दाश्त कर सकती है ये। आज सुबह 10 बजे के टाइम का ये वाक्य सुबह 10 बजे के टाइम ये वाक्य है। 10 बजे तक अभी तक देखो जो उनके जो पुष्ट बनाई कर रहे हैं सब अपने घरों में आराम से बैठे सो रहे हैं तमाशा दे रहे हैं। हमारे बंदे कुछ अस्पतालों में मर रहे हैं कुछ खवातीन घरों में और उनको मार के सड़कों पे उनको हॉस्पिटल भी नहीं ले जाया जा रहा है। कानून यहाँ लिख कर दे जाना कि अगर आपके साथ ऐसा मामला हो तो नेक्स्ट टाइम आप अपना दिफा करें चाहे जैसे भी करें। फिर जमात अहमदिया भी बता देगी कि वो दिफा अपना करना जानती है या नहीं जानती है। हम सिर्फ कानून का इत्राम करते हैं और न हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को रद्द करना चाहते हैं कि हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम नहीं दी है किसी भी सूरत में। अगर कानून क्या था कि जमात अहमदिया कमजोर है तो कानून लिख के दे आपको दिफा करने का हक है। फिर जमात अहमदिया कानून को दिफा करके बताएगी कि दिफा कैसे किया जाता है। मोटरसाइकिल खड़ा होता है जंगे इमामा का वाक्य देखेंगे जो क्यों करेगा उसको